हुकूमत की सेंचुरी होने पर डॉलर का बाउंसर, एक ही रोज में डॉलर 8 रुपए महंगा। 4 घंटे रुपए की मार्केट में उथल पुथल के बाद डॉलर का यू टर्न। मार्केट में तूफान उठने पर स्टेट बैंक की मुदाखलत, डॉलर 142 रुपए से जरा नीचे 138 रुपए तक आ गया। मार्केट में वक्ती तौर पर 138 रुपए पर फरोख्त होने लगा। पहले ना फिर हाँ, डॉलर महंगा करो, आईएमएफ की शर्त पर हुकूमत ने हार मान ली। डॉलर की कीमत 145 से 150 रुपए तक होने का इम्कान। आईएमएफ ने रुपए की कदर 15% गिराने की शर्त रखी थी। मुआशी तजियाकारों की राय, डॉलर महंगा होने से अदायगियों का तवाजुन बिगड़ेगा। साबिक वाइस चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर मंजूर मलिक। डॉलर महंगा होने के बाद अवाम के लिए कुछ रिलीफ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए की कमी का ऐलान। मिट्टी की तेल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी। नई कीमतों का इतलाक 1 दिसंबर से होगा। मंडी खुलते ही डॉलर के बाद ताजर बरादरी परेशान। दरामदी बिल्स में इजाफे पर सर पकड़ लिए। दूध, दही, अंडे, मुर्गी मजीद महंगी होने का खदशा। चाय की पत्ती, दालें, चावल, बेसन, आटा 4 से 5 रुपए महंगा होने का इम्कान। कीमतें बढ़ाने के लिए ताजरों का जिले इंतजामिया पर दबाव। पैम्पर, टिश्यू पेपर, साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट महंगे होने का इम्कान। पैम्पर, टिश्यू का पैक, हेयर कलर्स महंगे करने की तजवीज। खवातीन की करीमे, लोशन, पाउडर और साबुन की कीमतें बढ़ने का इम्कान। डॉलर का झटका, महंगाई का बोझ आवाम पर। फजाई सफर भी महंगा। 1 दिसंबर से टिकट्स में 10 से 15% इजाफा। सऊदी अरब का किराया 65 से बढ़कर 75,000। यूरोप जाने वालों को 2 लाख रुपए अदा करना होंगे। चंद घंटों में सोना 2,800 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 66,000 रुपए तोला हो गई। डॉलर की कीमत में इजाफा सबूत है कि हुकूमत ने आईएमएफ की शरायत मान ली। हुकूमत ने आईएमएफ से मुआहदा कर लिया, अवाम से झूठ बोला गया। हालात गवाही दे रहे हैं, अंडे मुर्गी की सरकार नहीं चलेगी। डॉलर की कदर बढ़ने पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। नून लीग ने पंजाब असेंबली में डॉलर की कीमत में इजाफे के खिलाफ करारदाद जमा करा दी। पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। हुकूमत अपनी नाकामी और नाअहली कबूल करे, शेरी रहमान का बयान। चंद घंटे की बात, फिर डबल सवारी के लिए डबल हेलमेट। अहले खाना को घर से लेकर निकले तो हेलमेट का रखे खास ख्याल। कल से दूसरे सवार के लिए भी हेलमेट लाजमी करार। अनोखी पाबंदी पर खातून नाला। बच्चे संभालेंगे हेलमेट पकड़े, चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील कर दी। मर्द हजरात भी खवातीन के हामी। ये तो बहुत ही गलत बात है ना, इस तरह तो होना ही नहीं चाहिए। दिस इज नॉट नाइस। ये चीफ जस्टिस साहब को एक्शन लेना चाहिए। लेडीज हेलमेट पहन के कैसे अच्छी लगेगी? छोटा बच्चे ना चुके हुए माँ, तो उनकी डरावनी लगेगी। माँ का हक नहीं बनता है। डबल हेलमेट अलाउ हो रहा है यकम से। इसमें जेंट्स के लिए तो ठीक है, जेंट्स इजीली पहन सकते हैं। जो लेडीज होती हैं, साथ बच्चे गोद में उठाए होते हैं, उनको बच्चा संभालना मुश्किल होता है। मेरा ख्याल है कि लेडीज के साथ बच्चों को भी पहनाने चाहिए। अगर लेडीज को पहनाने हैं तो फिर बच्चों को भी पहनाना चाहिए। नई सरकार, पिछले मंसूबे बेकार। गुज़श्ता हुकूमत का एक्सप्रेसवे मंसूबा ठप। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फासले कम होने लगे। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के बड़ों की बैठक। वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। कायमा कमेटियों का मुस्तकबिल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मशरूत। हुकूमत ने अपोजिशन को जवाब देने के लिए 1 दिन की मोहलत मांग ली। अपोजिशन को कमेटियों की चेयरमैनशिप देनी है या नहीं, फैसला कल तक मुअख्खर। नई सरकार, पिछले मंसूबे बेकार। गुज़श्ता हुकूमत का एक्सप्रेसवे मंसूबा ठप। 5 अरब 82 करोड़ रुपए जाया हो गए। FIA में अफसरान की कमी, अहम सर्कल्स में तैनातियां ना हुईं। डेप्टी डायरेक्टर एडमिन और बैंकिंग सर्कल के ओहदे खाली। डायरेक्टर FIA ने अहम सर्कल्स का चार्ज बगैर नोटिफिकेशन दूसरे अफसरान को दे दिया। सब्जाजार बी ब्लॉक में जिले इंतजामिया की कार्रवाई, गैर कानूनी जुमा बाजार लपेट दिया। शामियाने जब्त, 25 स्टॉल 30 रेड़ियां भी कब्जे में ले ली।
सर्विसेज अस्पताल में खातून मरीजा से ज्यादती का इल्जाम झूठा करार। साख मुतासिर हो रही है, यंग डॉक्टर सड़कों पर। जेल रोड पर एहतजाजी रैली, नारेबाजी। डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा खत्म करने का मुतालबा। इंक्वायरी कमेटी ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। यंग डॉक्टर्स की बैरून मुल्क बहुत मांग है, इल्जामात से साख मुतासिर होती है। प्रिंसिपल सिंध प्रोफेसर महमूद अयास और यंग डॉक्टर्स की गुफ्तगू। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मुतालिक हुकूमती वादे पूरे नहीं हुए। उम्मीद थी अदालती मोहलत के दौरान तमाम 26 इंसिजिटर्स फाल हो जाएंगे। महकमे नाकामी का बदला एक दूसरे पर डालते नजर आए। अस्पतालों में इंसिजिटर्स और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बुरी हुक्मनामा जारी। मियां महमूद रशीद ने मामला वजीर आला के नोटिस में लाने के लिए एक हफ्ते का वक्त मांगा है। अदालती फैसला। बंद रोड पर तजावुजात से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार, शहरियों को मुश्किलात है। हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, तजावुजात को खत्म करवाने की इस्तदा। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने एसी सिटी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। मोहब्बत में नाकामी, घरेलू झगड़ा या कुछ और, म्यू अस्पताल के हॉस्टल से 32 साल डॉक्टर की लाश बरामद। मुतवाफी मुजम्मिल मुल्तान का रिहायशी और अगले माह शादी थी। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। तो दे लोगों का जो है बहुत ही प्यार मिले, बहुत अच्छे लोग आ, बहुत अच्छे गवर्नमेंट आ। पाकिस्तान आने से बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है और सब तो ज्यादा खुशी सूँ हुई है कि जो सा करतारपुर वाला जो लंघा है वो खुल गया है तो सू बिना विजय तो करतारपुर के दर्शन कराए जाएंगे। इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया, परमात्मा चाहे जरूर आएंगे हम लोग। इतना प्यार मिले इतने यार, प्यार की यादा लेके जा रहे हैं इतने बहुत। मैं फिर दोबारा फिर आना चाहूँगा और बहुत ही अच्छा लगा मेरे। पाकिस्तानी भाइयों से बड़ा प्यार मिला। बाबा गुरु नानक के 549वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आए सिख यात्रियों की वतन वापसी। 3 खसूसी ट्रेनें सिख यात्रियों को लेकर वाहगा के रास्ते भारत रवाना। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अनवारुल हक से अमृतसर के रुकने पार्लियामेंट गुरजीत सिंह की मुलाकात। करतारपुर बॉर्डर खुलने पर इजहार तशक्कुर। हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी की साहबजादी की बादशाही मस्जिद में निकाह की तकरीब। अतुफा अमीर और सुहेल अंजुम का निकाह खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने पढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, साबिक चीफ जस्टिस तस्दीक हुसैन जलानी, जस्टिस मामूनुर रशीद, जस्टिस फारुख इरफान, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शाहराम सरवर और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा समेत दीगर जजेज और अजीजों का अरब ने शिरकत की। एड्स से आगाही का दिन। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद की कयादत में डीजी हेल्थ ऑफिस से पंजाब असेंबली तक आगाही वॉक। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और महकमा सेहत के अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत। शहरी डिस्पोजेबल स्ट्रिंजेस इस्तेमाल करें, सूबाई वजीर सेहत। क्रिसमस सर पर है, कोई तैयारी नहीं की, त्यौहार फैमिली के साथ गुजारना चाहती हूँ, केस के फैसले का इंतजार है। मंशियात स्मगलिंग में गिरफ्तार गैर मुल्की हसीना की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। अदालत से जल्द फैसला करने की अपील कर दी। और शहर गुल में गुले दाऊदी के नजारे, बच्चे और बड़े कुदरत के हसीन नजारे देखने जिलानी पार्क आने लगे। 250 इकसाम के रंग बिरंगे फूल महकने लगे।